YouTube पर कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने 4000 घंटों का वॉच टाइम कंप्लीट कर लिया है और 1000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे कर लिए हैं। इसके बावजूद जब उन्होंने YouTube को अपना चैनल रिव्यू के लिए दिया तो YouTube ने उनका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया। अब उसकी क्या वजह हो सकती हैं ये आपको हम इस वीडियो में सही से बताएंगे। कोई भी इंसान जब अपने चैनल पर काम करता है, बड़ी मेहनत करता है और सपने देखता है कि उसका भी एक दिन चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो बेशक मोनेटाइज हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो YouTube खुद बताता है कि अगर आपके चैनल पर 4000 घंटों का वॉच टाइम पूरा हो गया है और 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तब आप अपने चैनल का जब रिव्यू देते हैं तो उसमें इन 5 चीज़ों की जांच अवश्य कर लें, जिसकी वजह से YouTube टीम जब आपके चैनल को देखे तो पहली बार में ही उसे अप्रूव कर दे। तो YouTube जब किसी भी चैनल को रिव्यू करता है या उनकी टीम उसको रिव्यू करती है तो वो 5 बिंदुओं पर ध्यान देती है। अब वो 5 बिंदु कौन से हैं? अगर आप उनमें से कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो आप उनमें सुधार पहले से कर सकते हैं ताकि आपके चैनल को पहली बार में ही अप्रूवल मिल सके। देखिए, YouTube पर मोनेटाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज होगा तभी आप उससे कमाई कर सकते हैं, अगर मोनेटाइज नहीं होगा तब तक आप उससे YouTube एड्स के थ्रू कमाई नहीं कर सकते हैं। YouTube का जो पार्टनर प्रोग्राम है उस पर कई सारी चीज़ें हैं, जैसे सुपर चैट्स हुआ, एडवर्टाइजिंग हुआ और भी कई तरीके के पर्क्स हुए, तो उनके माध्यम से भी आप कमाई करते हैं। तो YouTube के जो पार्टनर प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करने के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 4000 घंटों का वॉच टाइम होना चाहिए। तो जब YouTube की टीम चेक करती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो लोग क्या चेक करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर साफ लिख रखा है, देखिए, व्हाट वी चेक व्हेन वी रिव्यू योर चैनल। तो जब YouTube की टीम आपके चैनल को मतलब रिव्यू करती है तब वो ये देखती है, उनके रिव्यूअर ये देखते हैं कि आपका कंटेंट जो है आपके चैनल को बेस्ट तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है और वो हमारी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट तो नहीं है। तो आगे YouTube ने ये साफ लिख रखा है कि उनके जो रिव्यूअर होते हैं वो आपके पूरे सारे मतलब हर वीडियो को तो चेक नहीं कर सकते हैं, तो वो आपके चैनल की कुछ चीज़ों पर फोकस करते हैं। तो उसके अंतर्गत उन्होंने ये 5 चीज़ों को लिख रखा है, जैसे कि पहले नंबर पर है मेन थीम। मतलब YouTube की टीम देखेगी कि आपके चैनल की मेन थीम क्या है, आप किस बारे में वीडियो बनाते हैं। अगर आपने खुद से कंटेंट क्रिएट किया है और उसमें वैल्यू दी है, मेहनत की है और क्रिएटिविटी दिखाई है तो ये मेन थीम में आ जाता है। मेन थीम में कई लोगों का एक मिसकंसेप्शन ये भी होता है कि अगर हम अलग अलग कैटेगरी में डाल देंगे तो फिर क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका क्रिएशन है, बस कंटेंट में आपके वैल्यू होने चाहिए, आपने मतलब क्रिएटिविटी दिखाई होनी चाहिए जिससे कि यूजर इंगेज हो, ऑडियंस को वो चीज़ पसंद आए। तो ये यूज़र इंगेजमेंट वाला यहाँ पर लिखा गया है मेन थीम जो है वो आपके चैनल पर। अब बहुत से लोग हैं कि ब्लॉग्स भी डाल देते हैं और कॉमेडी वाले भी डाल देते हैं और अपनी जो मोटिवेशन कैटेगरी हो या फिर उनकी और दूसरी कैटेगरी हो तो वो भी डाल देते हैं, तो ये तो इंसान की अपनी क्रिएटिविटी है, उससे कोई मतलब नहीं है। पर उसकी जो मेन थीम है जिस पर प्रॉपर चैनल फोकस होता है वो ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब आपके 70% वीडियोस व्लॉग्स के हों या 20% जो हैं वो एजुकेशन के हों, मोटिवेशन के हों और 10% कॉमेडी के हों, तो ऐसा होता है। अगर आप शॉर्ट्स भी बनाते हैं तो कभी कभी लोगों का मन होता है अपने मन की भावनाओं को कहना, तो वो शॉर्ट्स भी बना देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो YouTube उसमें देखता है कि आपके मेन थीम में आपने कंटेंट में कितनी वैल्यू दी है, कितनी क्रिएटिविटी दिखाई है, मतलब आपका कंटेंट ओरिजिनल कितना है, आपने कहीं कॉपी ऑपी तो नहीं कर लिया है या फिर इस तरीके की एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं। अब दूसरे नंबर पर वो क्या चेक करते हैं, मोस्ट व्यूड वीडियो, मतलब आपका जो सबसे ज़्यादा वीडियोस देखे गए हैं वो उनको देखते हैं कि उनमें आपने मतलब किस तरीके का काम किया है। तो तीसरे नंबर पर हम देखते हैं तो न्यूएस्ट वीडियोस, मतलब आपने जो नए वीडियोस डाले हैं वो आपके कैसे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले आपने मेहनत कर ली हो, आप कॉपी करके डाल रहे हो। तो नए वीडियोस और पुराने वीडियोस जो मोस्ट व्यूड वीडियोस हैं उन दोनों को देखेंगे, वो कंपेयर करेंगे। अब चौथे नंबर पर मैं बात करूँ तो बिगेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वॉच टाइम, तो YouTube की टीम ये भी देखेगी कि आपके चैनल पर वॉच टाइम सबसे ज़्यादा कहाँ से आया है और मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, किन वीडियोस से हुआ है। मतलब आपके चैनल का जो वॉच टाइम है वो YouTube के सोर्सेज से है या फिर जो लोग शेयर करते हैं उन सोर्सेज से है। कुल मिलाकर मतलब ट्रैफिक जो है वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, पेड है या फिर मतलब अपने कोई ऐप है उनसे मल्टी व्यूअर ऐप होते हैं, कई सारे लोग ट्रिक वगैरह लगा के वॉच टाइम गेन कर लेते हैं वहाँ से, ऐसा है। लेकिन YouTube अब और एडवांस हो गया है, आप कितना भी उसमें ट्रिक लगा लीजिए
वो वॉच टाइम वैसे ही रिड्यूस कर देंगे। तो मतलब वो ये चेक करते हैं कि आपके चैनल का वॉच टाइम का बिगेस्ट प्रोपोर्शन कैसा है, मतलब कहाँ कहाँ से आया है, कितना ट्रैफिक गेन किया है, ये सारी चीज़ें देखते हैं एनालिटिक्स में। अब पाँचवें नंबर पर वो देखते हैं कि वीडियो का मेटा डेटा आपने कैसा दिया है, मतलब मेटा डेटा के अंतर्गत उन्होंने लिख रखा है कि उसमें टाइटल आपने कैसा डाला है अपनी वीडियोज़ में, थंबनेल कैसी बनाई है और डिस्क्रिप्शन कैसा लिखा है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं मेटा डेटा के अंदर। तो रिव्यू देने से पहले आप अपने चैनल को एक बार चेक कर लें कि मतलब यूट्यूब ने जो ये मतलब चेक करने का एक क्राइटेरिया बना रखा है, इसके अंतर्गत आपका चैनल सही बैठ रहा है या नहीं। और नहीं बैठ रहा है तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, जो भी गड़बड़ियाँ हैं टाइटल जैसे थंबनेल और जो चीज़ें हैं उनको सुधार कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि पहले अट्रैक्टिव अच्छी सी थंबनेल लगा देते हैं और फिर रिव्यू देते हैं, उस वक्त तो उनको ठीक कर देते हैं। तो आप उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कुछ अगर गलतियाँ की हैं तो उनको सुधार कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पर YouTube ने यह भी लिखा है कि ये जो पांच चीज़ें हैं इनको हम चेक करते हैं, ये एग्जांपल के तौर पर हैं। अगर YouTube को या फिर रिव्यू करने वाली टीम को अगर लगता है कि और भी चीज़ें चेक करनी चाहिए तो फिर और भी चीज़ें चेक कर सकते हैं। मिलाकर आपका चैनल यूट्यूब की टर्म्स एंड कंडीशंस और पॉलिसीज़ को फॉलो करता है तब वो अप्रूव कर देते हैं। हालांकि मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं, आप बिल्कुल इससे मतलब परेशान या घबराएं नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं। मैं आपको कुल मिलाकर ये बता दूं कि आपका कंटेंट बस ओरिजिनल होना चाहिए और उसमें क्रिएटिविटी दिखाई देनी चाहिए। तो अपने चैनल को रिव्यू देने से पहले इन सारे बिंदुओं पर आप एक नज़र ज़रूर डाल लें, जिससे कि आपका जो चैनल है वो पहले बार में ही मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूवल यूट्यूब दे दे। क्योंकि दोस्तों एक बंदा अगर यूट्यूब पर मेहनत करता है और वो मोनेटाइजेशन के लिए देता है, अगर वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाए तो बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी होती है। तो इसके लिए यही है कि आपको YouTube की जो पॉलिसी है, टर्म्स एंड कंडीशन है, उनको एक बार पढ़ लिया कीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं नहीं पढ़ते हैं और वो रिव्यू के लिए दे देते हैं, YouTube उधर से मोनेटाइजेशन एक्टिव नहीं करता है, तब बड़ा दुख होता है। फिर वो दूसरा चैनल बनाते हैं, तीसरा चैनल बनाते हैं और इधर उधर से नॉलेज गेन करते रहते हैं कि मेरे से कौन सी मिस्टेक हो गई। तो इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन यही है कि अपने चैनल को रिव्यू के लिए देने से पहले आप सारी चीज़ों को एकदम से देख लें, समझ लें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और ये जानकारी आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझ सकें और अपने चैनल को पहली बार में ही मोनेटाइज करवा सकें। तो दोस्तों मैं हूँ कुलदीप और मिलूँगा एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, अच्छे रहिए।